क्या बात है असद, तुम इतने उखड़े उखड़े से क्यों हो? ये तो आप अपनी बहू से पूछिए। जब शहर को बर्दाश्त करने का हौसला नहीं था इसमें, तो फिर क्यों इसने अपने दिल को मजबूत साबित करने के ढोंग रचाए? क्या बिगाड़ा मेरी बीवी ने? जो सुनैनो को अपनी बहन मानती है, आपको अपनी माँ का दर्जा देती है और मीसम को अपने देवर से ज्यादा भाई की नजरों से देखती है। ये जो आपकी बहू है ना मम्मी, ये अपने दिल में नफरत रख के नेक परवीन बनकर घूम रही है। जब मेरी बीवी को इज्जत नहीं दे सकती थी, तो फिर क्यों मुझसे वादा किया तुमने? क्यों तुमने अपने दिल को मजबूत साबित किया कि जैसे तुमसे ज्यादा महान बीवी नहीं है इस दुनिया के अंदर कोई? कैसी बातें कर रहे हैं आप असद? सच्ची और खरी बातें कर रहा हूं मैं। तुम्हारा फरेबी चेहरा, तुम्हारा ही आईना दिखा रहा हूं तुमको। असद, किसने भर दिया आपके अंदर इतना जहर मेरे खिलाफ? तुमने भरा ये जहर, सिर्फ तुमने, और इस जहर को पीना भी तुम्हें ही पड़ेगा। मुझे फखर है अपने फैसले पर कि मैंने शहर को अपनी जिंदगी में शामिल किया। अरे सीखो शहर से कुछ कि किस तरह दूसरों के दिल में और घर में जगह बनाते हैं। जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनका ख्याल भी रखते हैं। एक बात और याद रखना सुनैना, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन शहर के खिलाफ तुम्हारी एक साजिश भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। सुना तुमने? साजिश? मम्मी आपको नहीं मालूम क्या, इसकी फजूल बातों की वजह से शीशा इस घर को छोड़कर चली गई है। क्या, शीशा घर छोड़ के चली गई? जी हाँ। मीसम, तुम्हारे अंदर इतना सा भी एहसास नहीं कि जिसके खिलाफ तुम इतनी फजूल बातें कर रही हो वो तुम्हारे ही शौहर की बीवी है? सर चलो उठो। अरे असद बेटा, नाश्ता तो कर लो, बात तो सुनो, क्या हो रहा है।